وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به صدق النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام मुझसे पूछो मैं बताऊं अज़मतो शाने उमर मुझसे पूछो मैं अल्मतो शाने उमर मुझसे पूछो मैं बताऊं अज़मतो शाने उमर था रसूले पाक को दरकार ईमाने उमर था रसूले पाक को दरकार ईमाने उमर मिलके ये मिसरा पढ़िए था रसूले पाक को दरकार अहले ईमा के दिलों में है मोहब्बत मजज़र अहले ईमा के दिलों में है मोहब्बत मजज़र कुफर के सीने में है
वस्ता पैगाने उमर था रसूले पाक को दरकार ईमाने उमर था रसूले पाक को दरकार ईमाने उमर हजरत फारूक आजम वाकिफे शाने अली हजरत फारूक आजम वाकिफे शाने अली और अली मुर्तजा हैं मर्तबा दाने उमर और अली मुर्तजा हैं मर्तबा दाने उमर था रसूले पाक को दरकार ईमाने उमर मित हदे सर कार दो आलम का सदका देखिए मित हदे सर कार तो आलम का सदका देखिए महफिले इमामे हामिद है सना खाने उमर मुझसे पूछो मैं बताऊं अजमतो शाने उमर मुझसे पूछो मैं बता अजमतो शाने उमर था रसूले पाक को दरकार ईमाने उमर था रसूले पाक को दरकार ईमाने उमर अल्लाह रसूल दी हमद और सना तो बाद नाजरीनो सामईनो हाजरीन जेड़े अल्फाज में जनाब दे सामने दौरान ने खुतबा तलावत करने दी सादत हासिल की थी हजरत अबू जर गफारी रदी अल्लाह ताला अन्हो जुंदुब बिन जनादा जिन्ना दा असल नामे नामे इसमें गिरामी आप फरमाते ने कि एक दिन नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा उनवान है मुवाफकाते सैयदना उमर बिन खत्ताब सब बोलिए सुभान अल्लाह मुवाफकाते सैयदना उमर बिन खत्ताब मुवाफकत किनु आंदे ने फरीकैन दो बंदियां दा या दो हस्तियां दा किसे गल दे अंदर इकट्ठिया हो जाना किसे कम दे अंदर इत्तेफाक आ जाना इनू क्या जांदा मुवाफकत मुवाफकत उम्र तो कोई समझ लग जानी चाहिए
कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो आप दी किसे गल या आप दे किसे फेल दे अंदर किसे हस्ती ने मुआफकत फरमाई है, किसे हस्ती ने आप दे कम दी ताईद फरमाई है, वो कोई और हस्ती नहीं, हजरत उमर ने मखलूक उमर बिन खत्ताब दे खालिक यानी अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब दी हां दे विच हां मिलाई है, जड़ी गल उमर बिन खत्ताब ने की थी अल्लाह ताला ने आप दी ताईद वही दे नाल फरमाई है। वो गल्ला जड़ियां हजरत उमर बिन खत्ताब ने कीतियां जेड़े मशवरे दिते अल्लाह ताला ने ताईदन वही है कुरान नाजिल फरमाई उन्ना वहियां नू उन्ना आयात नू क्या जानता है मुवाफकाते उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो। नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों आपने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं मेरे मुताले के मुताबिक 14 मरतबा ऐसियां गल्लां कीतियां कि अल्लाह ताला ने उन्हां गल्लां नूं पसंद फरमाया और फरमाया कि जिवें खताब दे शाहजादे उमर दी सलाह है जिवें एदा फैसला है ए भी अरशां वाले खुदा दा भी फैसला है। जेड़ा मशवरा फरशां ते उमर करदा है पिया जेड़ा फैसला फरशां उते उमर करदा है पिया उही फैसला उमर दा रब अरशां ते करदा है पिया। कई एक मरतबा मैं अर्ज कीती है कि 14 मरतबा आपने मुशावरत पेश कीती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर मुख्तलिफ मकामात दे उते ते अल्लाह ताला ने आप दी मशावरत नूं पसंद फरमाया। हुण मशवरा दिता जांदा है जुबान दे नाल, हुण आओ जरा पहला आप दी जुबान दे मुतल्लिक मैं जनाब नूं दसां कि आप दी जुबान जदों हरकत करती सी ते किन्नी को बरकत पैदा हुंदी सी। मैं अपने कोल गल नहीं करन लगा, हजरत सैयदना ताजदार हालता मौला मुश्किल कुशा हाजत रवा हजरत अली अल मुर्तजा करम अल्लाह तआला वजहहुल करीम आप बयान फरमाते हैं। हजरत अली अल मुर्तजा फरमाते हैं कि कुन्ना नतहद्दसु अन्ना मलकन यंतिकु अला लिसाने उमर। फरमाते हैं कि असी जदों बैंदे हुंदे सन ना किसे हस्ती दीयां गल्लां छिड़दियां सन ते उमर दीयां गल्लां गल्लां दे विच जदों आ जांदियां सन उमर दे तज़किरे जदों छिड़दे सन ते असी ए गल ते फैसला करदे हुंदे सां कि उमर जिहड़ी बोली बोलदा है उमर जिहड़ी जुबान विच गल करदा है इंज लगदा है जिवें अल्लाह दे फरिश्ते भी इंज ही गल्लां करदे ने। यानी असी ये फैसला करते सां कि उमर जिवें बोलदा है उमर दी बोली दे अंदर अल्लाह दे फरिश्ते भी कलाम फरमांदे ने। एक बार तुसी उच्ची बोलो ना सुभान अल्लाह। बल्कि अबू जो हैफा रजी अल्लाह तआला नो आप फरमांदे ने कि मैं अमीर उल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा दी बारगाह दे अंदर बैठिया सां ते एक बंदा हाजिर खिदमत होया उन्हें आके अर्ज की थी ए अमीर उल मोमिनीन जरा सानू दसो हजरत फारूक आजम जुबान दे सख्त जरूर सन बजाहर मगर उन्हें दियां गल्लां दे विच लोकी आंदे ने कि हमेशगी और दायमी वाला सुकून हुंदा सी। ए प्यारे अली जरा अपना फैसला दसो कि उमर दी जुबान कुरख्त सी या सुकून वाली सी जरा एक बारी उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। मैं पेश करा हजरत जनाबे जुहैफा फरमाउंदे ने हजरत अली अल मुर्तजा दे लब किले हजरत अली अल मुर्तजा ने फरमाया मा कुन्ना नुबईदु अन्न सकीनता तुल्तिक अला लिसान उमर। हजरत अली उल मुर्तजा ने फैसला फरमाया आपने फरमाया लोगों जदू उमर बोलियां बोल
बोलते सन जदू उमर नुतको कलाम फरमा दे सन जदू उमर गल्ला कर दे सन उमर दी जुबान उते बातिल नहीं सी आंदा उमर दी जुबान उते हमेशा हक वाजी हुंदा सी जदू आप बोल दे हुंदे सन हमेशा सुकून वालियां गल्ला बोल दे सन यानी आप जेड़ी भी गल करते सन बजाहर सानू डाडी लगती सी सख्त मिजाजी वाली लगती सी मगर ओदे अंदर तैमी फायदा हमेशगी वाला फायदा मौजूद हुंदा सी इसे तरह हजरत अमर बिन मैमून फरमाउंदे ने के अली अल मुर्तजा ने एक मौके ते फरमाया मा कुन्ना नन करो अगर अस इनकार करिए भी ते इनकार नहीं कर सकते नहनु असहाब रसूलिल्लाह मुतावा फिरूना फरमाते ने नबी दे कसीर सिया बसन नबी दे ठेर सारे सिया बसन हजारों सिया बा नबी दे मौला अली ने फरमाया अन्न सकीनता तांति को आला लिसानी उमर दलैलुन नबुवा इमाम बहकी फरमाते ने हजरत अली ने फैसला फरमा के दसिया लोको नबी दे सिया बा ढेर सारे सोनिया गल्ला कर देने लेकिन जीवे दिया सोनिया गल्ला खताब दे बेटे उमर ने कीतिया ने इंज दिया किसे भी सियाबी ने नहीं कीतिया हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दे बारे में तीन अकवाल पेश कीते हुण आओ हजरत सैयदना अबू जर गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हो जिन्ना दा असल नाम जुंदुब बिन जनादा हजरत अबू जर गफारी दे नाम दे नाल मशहूर अबू जर गफारी रदी अल्लाह अन्हो फरमांदे ने एक दिन तेरे ते मेरे करीमा काइमा मुलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम दी जुबान दा तज़किरा फरमाया हुण मैं नबी पाक दी हदीस पढ़न लगा हदीस पाक सुनन तो पहला जरा जोर ला के ऊंची बोलो सुभान अल्लाह तेरे ते मेरे लजपाल करीमा का ने फरमाया इन अल्लाह वादा अल हक अला लिसान उमर यकुल मेरे आका ने फरमाया मेरा उमर जेड़ी जुबान दे नाल गल्ला करदा है मेरे रब ने उस जुबान उते हक जारी फरमा छड़िया है अल्लाह ने हक जारी फरमा दिता आए हाय हजरत अबू हुरैरा भी रवायत लैके फिर बोलो सुभान अल्लाह भाई अल्लाह तुहाडी इस मुहब्बत नु कबूल फरमाए सुभान अल्लाह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने खाल रहमतुल्लिल आलमी हजरत अबू हुरैरा फरमाउंदे ने आलमीन दी रहमत सारे जहान वास्ते जिन्हां नूं अल्लाह ने रहमत बना के भेजिया यानी तेरे ते मेरे प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह जअलल हक अला लिसान उमर अगले जुमले में बाद च पढ़ांगा पहले एना जुमला सुन लो मेरे करीम नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे गुलाम उमर दी जुबान दे उते हक जारी कर छड़िया अल्लाह ने उमर दी जुबान दे उते हक जारी फरमा छड़िया हुण अगला जिहड़ा मैं लफज पढ़न लगा हजरत अबू हुरैरा रिवायत करदे ने नबी पाक ने फरमाया वजअल अल हक अला कल्बे ही अल्लाह ने जुबान दे उत्ते भी हक जारी फरमा छड़िया है दिल उत्ते भी हक जारी फरमा छड़िया है नारा तकबीर नारा रिसाला
दूसरी हदीस पाक अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कंजुल माल दे अंदर अलामा मुत्तकी हिंदी बुरहानपुरी ने लिखा हदीस नंबर 35850 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा उमर फकद अहब्बानी जिन्हें उमर नु महबूब बनाया उन्हें अल्लाह दे महबूब नु महबूब बनाया वमन अबगदानी फकद वमन अबगदा उमर फकद अबगदानी जिन्हें उमर दे नाल बुग्ज रखिया वो इंज ही समझे जिमें उन्हें नबिया दे सरदार दे नाल बुग्ज रखिया अल्लाह सानू महफूज फरमाए बोलो आखो आमीन अगे फरमाया हुजूर ने कि अल्लाह ताला दी खुशी अल्लाह दी रजा सारे मुसलमाना वास्ते वे मगर सारे मुसलमाना वास्ते वे आम रजा मगर मेरे गुलाम उमर वास्ते वे अल्लाह दी खास रजा खासुल खास रजा उमर दे वास्ते अगे हुजूर ने फरमाया अन्नहु लम युबअस नबियन कत इल्ला कान फी उम्मतिही मन युहदिस हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने ऐसा कोई भी नबी दुनिया से नहीं भेजा जिन्हों अल्लाह ने मुहदिस ना अता किया गल्लां बातां करन वाला नुतको कलाम करन वाला बेताज बादशाह ऐसा बंदा जड़ा गल करे तो उसकी गल विच वजन होवे ओ वजनी गुफ्तगू करने वाला बंदा अल्लाह ने हर नबी नू लाजमी अता फरमाया ते अर्ज की गई या रसूल अल्लाह आप नू केड़ा अता फरमाया गया नबी पाक ने फरमाया व इन यकुन फी उम्मती फहुवा उमर इब्न अल खत्ताब हुजूर ने फरमाया जेड़ा अल्लाह ने मेनू मुहद्दिस अता फरमाया ओ खत्ताब दा बेटा उमर है अर्ज की गई या रसूल अल्लाह कैफा युहद्दिस या रसूल अल्लाह ए मुहद्दिस मुराद किवें दियां गल्लां बातां की मुराद है हुजूर ने फरमाया तातकल्लमुल मलाइका तो अला लिसानिही जिदी जुबान दे विच रब दे फरिश्ते गल्लां करन उन मुहद्दिस आख्या जांदा है हजरत अली अल मुर्तजा दा मैं पहला सब तो पहला कौल पेश कीता आप फरमांदे ने माशाल्लाह आप फरमाते ने कुन्ना न तहद्दसु अन्न मलकन यंतिकु अला लिसान उमर के फरिश्ते भी जड़ियां गल्लां करदे सन उमर दी बोली विच गल्लां करदे सन उमर दी जुबान उमर दी लुगत विच गल्लां करदे सन मसलन मैं मिसाल देना हर एक बंदे दे अपने अल्फाज मखसूस ने वो मखसूस अल्फाज दे नाल गुफ्तगू करदा है और हुंदे वो मुतरादफात ने यानी उन्हां दा माना मफहूम मतलब एक ही हुंदा है मगर अल्फाज जुदा जुदा हुंदे ने मसलन मैं लफ्ज बोलना तालीम जैद बोलदा है इल्म कोई बंदा बोलदा है नॉलेज कोई बंदा बोलदा है साइंस साइंस का माना भी जानना नॉलेज का माना भी जानना तालीम का माना भी ते इल्म का माना भी माना मफहूम मतलब एक ही है मगर सारे दे अल्फाज अपने अपने मखसूस ने हुण इंज ही समझ लो कि सवा लख सियाबा या सवा दो लख सियाबा या कमो पेश जितने भी सियाबा ने सारे सियाबा दे अपने अपने अल्फाज मखसूस सन उच्ची सुबान ला बोलो ते अगला जुमला बोलांगा ना सारे स्यापा जो तू गल करते सन बोली बोलते सन किसी ने गुफ्तगू करते सन सारियां दे अल्फाज अपने अपने सारियां दे अपने अपने मगर किसे दे अल्फाज दे अंदर किसे दे अल्फाज नो यूज अल्लाह दे फरिश्ते नहीं सन करते किसे दे अल्फाज नो अल्लाह दे फरिश्ते अपनी बोली दे अंदर इस्तेमाल नहीं सन करते ओ इक्को साथ उमर बिन खत्ताब दिए जिदे अल्फाज नो फरिश्ते बोल के एक दूजे नाल गल्लां करदे हुंदे सन हुण गल दी समझ लगी है कि कोई ना जिदे लफ्ज अच्छा लफ्ज भी इस्तेमाल ओदे कीते जांदे ने जिदे नाल मुहब्बत होवे जिदे नाल है ही नफरत है अच्छा अल्फाज तुसी की समझदे हो भी एवें इस्तेमाल हो जांदे ने जेड़े मेरे नाल मुहब्बत करदे ने ना खुतबा मेरियां तकरीरां करदे ने वो मेरिया केस्टा सुनते हैं मेरिया सीढ़ियां सुनते हैं तकरीर सुनते हैं वीडियो सुनते हैं फिर वो रटते हैं और उंज दा बोलन की कोशिश करते हैं
उन्होंने मेरे नाल मुहब्बत है तो इंज करते ना, जे मुहब्बत नहीं तो ऐसा कर सकते नहीं। इंज ही जमाने के अंदर दीगर तुम मिसाल जितनी मर्जी बना सकते हो। हज़रते गिरामी कदर किसी नाल किसी के अल्फाज इस्तेमाल करने वास्ते पहला वो दे नाल मुहब्बत जरूरी है। इहदा मतलब है कि दूजे सियाबा नाल भी अल्लाह के फरिश्ते मुहब्बत करते सन मगर उमर नाल मुहब्बत करते सन, उन्हां दीआं गल्लां भी कन ला ला के सुनते सन ताकि असी उमर के अल्फाज नूं अखज कर सकीए, उमर के अल्फाज नूं कैच कर सकीए, उमर के अल्फाज नूं रट्टा ला सकीए। वो फिर जनाबे उमर के अल्फाज नूं कैच करके रट्टा ला के सुन के हिफज करके याद करके जदों एक दूजे नाल गल्लां करदे सन उमर की बोली विच गल्लां करदे हुंदे सन। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ऐशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप भी इंज दी हदीस पाक लेके आईयां ने। हजरत जनाबे सईदा ऐशा सिद्दीका फरमाउंदियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद कान यकून फिल उमम मुहद्दिसून। अल्लाह ने हर उम्मत उम्मत के अंदर मुहद्दिस रखिया, हर उम्मत के अंदर अल्लाह ने मुहद्दिस भेजिया मगर मेरी उम्मत के अंदर फइया काफी उम्मती आगदुर फउमर इब्नुल खत्ताब। दे मेरे दिल पर आका इमाम लंबिया ने फरमाया अल्लाह ने हर उम्मत नु मुहद्दिस अता फरमाया मेरी उम्मत दे अंदर जिन्हों अल्लाह ने मुहद्दिस बना के भेजिए उस मुहद्दिस का नाम उमर बिन खत्ताब है। उमर बिन खत्ताब नु अल्लाह ने मुहद्दिस बना के भेजिया। आओ मैं हुण असल मौजू दी तरफ आवां। मुआफका थी उमर यानी उमर जिड़ा मशुरा दिंदे सन जुबान दे नाल गल करदे सन अल्लाह ताला उमर दी जुबान दे उत्ते उमर दी गल दे उत्ते मोर लगा देंदा सी। अल्लाह ताला उमर दे मशुरे नु पसंद फरमांदा सी। कुरान मजीद दा अल्लाह हिस्सा बना देंदा सी। हजरत जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उमर अल्लाह ताला ने फरमाउंदे ने जदों नबी पाक दे सियाबा दे दरमियान किसे कम दा मशवरा होना किसे अमर दी गल आउणी सब सियाबा ने अपनी आरा पेश करनिया सब ने अपने मशवरे पेश करने इधर सियाबा ने भी बोलना ते वारी आउणी जदों मेरे बाप हजरत उमर बिन खत्ताब दी इल्ला नुज़िला फीहिल कुरआन अला नहवी मा काला उमर इब्नुल खत्ताब। फरमाउंदे ने इंदर मेरे अबू फरशां ते मशवरा देंदे सन उमर फरशां दे उत्ते मशवरा फरशां ते देंदे सन अल्लाह मोर लगा के फैसला अरशां ते फरमा देंदा सी। हजरत मुजाहिद भी रवायत लेके आए फरमाते ने काना उमारो इजार अर्राया नुसेला बेगी अल मुजाहिद फरमाते ने जो नबी दे सियाबा दे दरमियान मशावरत वालियां गल्लां मुख्तलिफ मुख्तलिफ गल्लां हुंदियां सन मशवरे दियां गल्लां होणियां जदों आरा सियाबा ने पेश करनियां उमर ने जेड़ा मशवरा दे देना अल्लाह ताला उमर दे मशवरे नू अपनी कलाम कुरआन दा हिस्सा बना छड़दा सी। कौन हजरत जनाबे उमर बिन खत्ताब दो हिजरी दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने बदर दे मकाम दे उत्ते जंग जीती। गजवा बदर पेश आया जदो जंग जीत ले तुहानू पता है भाई 70 काफिर मारे गए सन ते 70 जड़े ने ना उन्होंने कैदी बनाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सियापा ने उन्होंने गिरफ्तार किया मदीने ले आंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा तलब फरमाया भी इन्हों हूँ की करिए कैदियों को कतल करिए
इन्हें उंजी माफ कर दे या फिदिया लवीए इन्हों हूँ की उसने सलूक किया जाए। हजरत अली अल मुर्तजा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो इन्हों दो सहाबा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों मशवरा मंगया ना सब तो पहला इन्हों तो मंगया सी। हुज़ूर ने फरमाया कि अली तुसी भी मशवरा दो फारूक ए अबू बकर तुसी भी मशवरा दो। इन्हों दोवां ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कौमों का व इतरतों का फखल्ले सबीलहुम फखल्ले सबीलहुम या रसूल अल्लाह ये तुहाडी कौम दे बंदे ने मक्के दे ने चलो जंग अल्लाह ताला ने सानू फतह अता फरमा दी ये नहीं काफी है ते आप इंज करो भी ये कौम दे बंदे ने तुहाडी इतरत दे बंदे ने रिश्तेदार ने इन्हां नूं मुआफी दी कोई राह निकालो। हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने विच ये भी मशवरा पेश किया कि या रसूल अल्लाह तुसी इन्हां तों फिदिया लै लो पैसे लै लो जान बख्शी कर दो। हज़रत उमर बिन खत्ताब आप तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए उमर तेरा की मशवरा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह उक्तुल हुम इन्हां दी गर्दना उड़ा दो। हजरत अली मशवरा दे के चले गए सन किसी काम हुणे दो पिछे बच गए अबू बकर ते उमर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे फैसले उत्ते मेहरबानी फरमाओ पैसे लवो इन्हां तों मालो दौलत लवीए मुसलमाना की हालत भी के कमजोर है नवी नवी हिजरत करके आए हैं तो चलो स्ट्रांग हो जावे मजबूती हो जाएगी। तो दूजे नंबर से मुमकिन है कि ये इस्लाम कबूल कर लेन साढ़े इस रवैये तो। हज़रत उमर बिन खत्ताब अर्ज करते हैं नहीं या रसूल अल्लाह मेरा मशवरा ये वे हा उलाए सनादी दो हम व इम्मा तो हम व कादा तो हम ये सारे सरदार ने सारे अपनी कौम के कायद रहनुमा अमीर लोग ने जदों इन्हों असी कतल कर देवे तो पिछलिया के लक टुट जाएंगे अल्लाह इस्लाम नू इज्जत अता फरमा देगा इन्हें फिर जुरत नहीं रहेगी भई ये साढ़े सामने कभी आके खड़े हो सकन ये फिर इन्ने जोगे नहीं रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे दो नबी सन एक इब्राहिम ते दूजे नूह अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप दी कौम ने आप नाल जफा भी बड़ी की सजा भी बड़ी दीती उन्होंने तंग भी बड़ा किया इस दे बावजूद उन्होंने अर्ज की वमन आसानी फइन्नक रऊफुर रहीम या अल्लाह जेड़े मेरे ना फरमान ने कोई गल नहीं तेरे ते बंदे हैं तू उन्होंने माफ कर दे। ते एक अल्लाह का नबी है जिदा ना है नूह अलैहिस्सलाम उन्हें कहा या अल्लाह जिन्ना मेरिया गल्ला नहीं मनिया जेड़े मेरे नेड़े नहीं लगे सारिया नू तबाहो बर्बाद कर दे। अबू बकर तेरे विच इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली सिफत पाई जा उमर तेरे विच नूह अलैहिस्सलाम वाली सिफत पाई जा दोवें तुसी मेरे प्यारे दोस्त हो मेरे सिहाबी हो मगर हुण मेरा फैसला यह वे कि असी इन्हां तो पैसे लवीए फिदिया लवीए इन्हां नूं माफ कर देंगे। हुण हजरत उमर रदी अल्लाह ताला नो आपने विच ये भी अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह बहुते मेरे बेली ने जेडे ये सत्तर कैदी ने ना इन्हें चू बहुते मेरे बेली ने ते इंज करो ए फलाने फलाने जेडे सरदार मेरे बेली ने ना ये मेरे हवाले करो जेडे मेरे करीबी ने मेरे हवाले करो इन्हों की गर्दन मैं उतारागा ते ये जेडे अली दे रिश्तेदार अली दे करीबी ने वो अली दे हवाले करो
अली उन्हां दी गर्दन उतारे, हमजा दे हवाले ओ करो जेड़े हमजा दे करीबी ने ओ गर्दन उतारन, इंज जेड़े जेड़े जिदे करीबी ने ओ असी गर्दन उतारिए ते अल्लाह नूं भी मालूम हो जाएगा कि ए मेरे यार दे जेड़े सियाबा ने ना इन्हां दे दिलां विच रत्ती बराबर भी मुशरकां दे बारे मुहब्बत वाला पहलू नहीं। नबी पाक ने फरमाया नहीं, पहली जंग असी इन्हां तों फिदिया लवांगे ते दुनियावी माल मिल जाएगा, दुनियावी तौर ते मेरे सियाबा मजबूत हो जाएंगे। हुण उमर दा मशवरा ये वे कि उक्तुल हुम, इन्हां नूं कतल कर दिता जाए। हुण आओ दूसरा दिन होया ना, उमर बिन खत्ताब मस्जिद नबी विच आए, नबी पाक ते जनाबे सिद्दीक पाक ये दोनों हस्तियां बैठियां ने, युब के या ने दोवें रोंदियां ने पईयां, दोवें रोंदे ने पए। इधर हज़रत जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नूं वी रोंदे ने पए, अल्लाह दे हबीब मुस्तफा भी रोंदे ने पए। हजरत जनाबे फारूक आजम ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह अखबिरनी माजा युबकी का अंता वा साहिबक, सोनिया थानू ते तुहाडे सियाबी नू किस चीज ने रुलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर तू भी मशवरा दिता लेकिन मैं तेरी गल नहीं मनी, ऐ उमर मैं दूजिया दी गल मन के ओना दे मशवरे नू कबूल करके मैं ओना तू फिदिया लिया ते ओना नू आजाद कर दिता। हुण अल्लाह ताला दा अजाब इंज करीब है जिवें सामने नजर आवन वाला दरख्त करीब है। ऐ उमर हुण वेखो साडे ते अल्लाह दा कदू अजाब आवे, असा दुनिया दा माल लिया, अल्लाह साडे ते कदू अजाब नाजिल करेगा। अल्लाह ताला ने फौरन कुरान मजीद नाजिल फरमा दिता, फरमाया मा काना ले नबीयन अन यकून लहु असरा फौरन फारूक आजम दी हक दी अंदर, फारूक आजम दी हक दी अंदर आयत नाजिल फरमाइया। अल्लाह ने फरमाया सोनिया तुझे भी तेरे गुलाम ने उन्होंने दुनिया दे माल नू पसंद कीता लेकिन उमर ने आखिरत नू पसंद कीता। सोनिया हुण जिवें उमर दा मशवरा है उवें तेरे रब दा भी एहो ही फैसला है। जेड़ा उमर ने मशवरा दिता उही सोनिया तेरे रब दा भी फैसला है। वो जिसकी बात तामीरी, वो जिसकी जात तस्खीरी, हकीकत पर के उपरी खाज की पार के आज़म की मिसाली है जगह में की पार के आज़म की मिल के सारे पड़ो मिसाली है जगह में अजमत आर फिर वसाद की पार के आजम की मिसाली है जगह में जिंद की पार के आजम की दुआए मुस्तजाबे गसे
शरीयत मुर रसूल है तो आए गसी रते खत मुर रसूल है तो आए मुस्तजा पे गल रते खत मुर रसूल है नहीं मुमकिन किसी से हम शरीफार सारे मिलके पढ़ो नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह आपने कमाल दी तर्जमानी की थी अकीदा अहले सुन्नत बयान कर देने आंदे ने मिसाली है जहां में जिंदगी फारू मिसाली है जगह में जिंदगी पा अल्लाह ताला ने आप दे हक दे अंदर आप दे मशवरे नु कबूल फरमा के आयत मजीदा नाजिल फरमा दी थी। इसी तरह हजरत जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जदों खाने का भी आते हैं खाने का बेजदू नबी पाक नमाज पढ़ते सन ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रुख अनवर खाने काबे दे सामने खड़े हो के इंज दा हुंदा सी के सामने खाना काबा होना दूजे पासे बिल्कुल सामने मस्जिद अक्सा बैतुल मकदस होनी तुसी जान दे ओ खाना काबा पूरी जमीन दा मरकज पूरी जमीन दे महवर दा नाम खाना काबा पूरी जमीन दे सेंटर नु खाना काबा आखिया जांदा है। हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किथे नमाज पढ़दे सन मेरे हल वेखणा ए डाइस नु समझ लो खाना काबा ए जड़ी नुक्कर ना ए इत्थे वे हजरे असवर ए खाने काबे का दरवाजा वो दरवाजे का मुंह खुल जाए तो पाकिस्तानी सारे सीधे खाने काबे दे विच ने ए शर्फ सानू हासिल ठीक है इत्थे दरवाजा खाने काबे का इत्थे वे परनाला खाने काबे का इत्थे वे हकीम खाने काबे का जिहड़ा सीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कित्थे पढ़दे सन ऐ जिहड़ी दीवार है ना ए रुकने यमानी ते हजरे अस्वद दे दरमियान इत्थे खलो के हजूर नमाज पढ़दे सन ते हजूर दा रुख हुंदा सी इस पासे क्यों इस पासे बैतुल मकदस सी यानी दोवें मसले हल खाने काबे वल भी मुंह ते बैतुल मकदस वल भी रुख ए दोवें मसले हल होने करने ए दर मेरे करीमा का इमाम अलंबिया अच्छा एक और बच रह गया गल इत्थे हजरे असवर इत्थे खाने काबे दा दरवाजा ते इत्थे करके मकाम इब्राहिम जेड़े तुसी गए हो अल्लाह तुहानू फिर ले जाए जेड़े नहीं गए उत्थे जाके वेख्या जे इंज ही नक्शा जो दसना पिया ठीक ना हुण नबी पाक इत्थे नमाज पढ़दे सन ते ए दर नबी पाक ने इत्थे खड़े आयो के नमाज पढ़नी बेशक नबी पाक दी नीयत इयती सी के मुंह तरफ खाना काबा शरीफ मैं किबले शरीफ वल अल्लाह दे घर खाना काबा वल मुंह पिया करना बेशक नबी पाक नीयत इयो ही कर दे सन लेकिन नबी पाक दा रुख अनवर मेरे नबी दा मुबारक चेहरा इंजुंदा सी के सीधा बैतुल मकदस दी तरफ भी मुंह हुंदा सी रुख नबी पाक दा बैतुल मकदस वल भी हुंदा सी जदों नबी पाक नु इंज करके नमाज पढ़दियां यहूदियां ने वेख्या यहूदियां ने मेणा मारिया आखण लगे इन्हां दा किबला काबा बन गया है फिर भी ये साडे किबले वल मुंह करके नमाज पढ़दे ने शायद इन्हां नु अंदरूनी तौर ते शक है कि साडी नमाज कबूल हुंदी है कि कोई ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बड़ा दुख लग्या नबी पाक ने फरमाया कि मैं ते एती वारे मुस्तजाब भी इनू आखिया जांदा है इत्थे नमाज कबूल हुंदी है इस वास्ते नमाज इत्थे पढ़दा
मशुरा दे सका तुसी अल्लाह दे रसूल सोने मैं थोड़ा गुलाम मगर सोने मैं गुजारिश पेश करना चाहना मेरे आका ने फरमाया बोल की गुजारिश करना चाहना है अर्ज की थी सोने चूंके सानू बेड़ा बजे है कि साडा बैतुल मकदस वाले मुंह नहीं होना चाहिए सोने सारा अल्लाह का घर है जिथे दिल करता नमाज अदा करिए सानू पुछण वाला कोई नहीं सानू डकण वाला कोई नहीं जिथे दिल करे नमाज पढ़िए लेकिन इधर इस वास्ते सानू बेड़ा मिले सोने तुसी इथू छोड़ देव सोने तुसी मकाम इब्राहिम ते नमाज पढ़िया करो असि भी थोड़े पिछे खलो गए मकामी इब्राहिम दे कोल नमाज पढ़िया करिए इधर हजरत जनाबे मुजाहिद फरमाउंदे ने नबी पाक नु फारूक आजम ने मशुरा दिता कि सोनिया मकामी इब्राहिम दे कोल नमाज अदा करिया करिए अल्लाह ने फौरन जिब्रील नु भेज दिता जिब्रील नु भेज के मेरे रब ने फरमाया पत्ता खिसू मकाम इब्राहिम मुसल्ला अल्लाह ने फौरन जिब्रील नु भेज के महबूब तक हुक्म फरमाया मेरे रब ने फरमाया मेरे हबीब जिवें तुहाडे गुलाम फारूक ने फरिश्तां दे ए मशवरा दिता है असा अरिशा ते ओमी फैसला फरमा छड़िया है सोनिया ओदे ते मना करन वाला कोई बंदा नहीं लेकिन सोनिया असी फारूक दी जुबान नु इज्जत पे देने आ असी फारूक दी जुबान दे उते फूल पे चढ़ाने आ सोनिया अज तो बाद तुसी एथे नमाज ना पढ़िया करिया जे तुसी मकाम इब्राहिम ते नमाज पढ़ोगे नाले लोकां नु पता लग जाएगा इत्थे अल्लाह दे नबी दे कदमैन ने एदी भी बरकत हासिल कीती जाएगी जेड़ा भी मकाम इब्राहिम दे कोल खड़े होके मेरी इबादत करेगा कम अज कम ओनू एनी हया आवेगी ए ओ जगह है जिनू अल्लाह ने फारूक दे आखण ते मुंतखब नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी अजमत ओ शान ए सहाबा कम अज कम बंदा ओना चिर दे हया करेगा जिनी देर फारूक आजम दा मशवरा याद रहेगा लोगों क्यामत तक याद रहेगा भी फारूक ने मशवरा दिता है इत्थे अच्छा जिन्हें तुसी आजी हो जिन्हें मौता मेरी उमरा करके आए हो तवाफे काबा तो बाद दो नफल लाजिम ने तो पढ़ने कितने ने मकामे इब्राहिम जुते ओंज भावे जिते मर्जी जिनिया मर्जी चवड़ा मार खां तेनू उस थां ते आके नमाज पढ़नी पौनी है जेड़ी थां नू उमरे फारूक ने पसंद फरमाया है जिनू मुंतखब फारूक आजम ने कीता है उस धरती नाल तेनू प्यार करना पवेगा आ नहीं ते तेरे तवाफ भी तेरे बूथे दे उत्ते ते तेरिया हज्जां भी ते तेरे उमरे भी अकारत और जाया हज्जां उमरे हुण तां कबूल होने ने जे फारूक नाल मुहब्बत होवेगी आओ हजरत गिरामी कदर एक होर गल पेश करा तकबीर खत्म करिए 14 मैं मुवाफका ते उम्र तलाश करके लिख के लाया था जे दो बयान कर चुके हैं सिर्फ सुनो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला नो आप दी मुवाफकत ए भी है हकीम त्रिमजी रहमतुल्लाह अलैह ने नवादिर उल उसूल च लिखे है हजरत मखूल रावी ने काना बैना रजुल मिन अल मुनाफिकीन व रजुल मिन अल मुस्लिमीन मुनाज़ा फी शैइन
एक मुनाफिक एक मुस्लिम दोवां दे दरमियान किसे मसले दे अंदर झगड़ा हो गया, अणबण हो गई, बहस मुबासे तो कम पड़िया। दोवां दे दरमियान यह तय पाया कि जेड़ा फैसला रसूल पाक फरमा देणगे दोवां नूं कबूल होवेगा। फआता या इला रसूल अल्लाह, दोवें आ गए रसूल अल्लाह की बारगाह के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरीकैन दी गल्लां सुनियां, जिहड़ा एक घर की गल सुने तो दूजे की तरफ फैसला कर देवे वह जालिम। दोवां घरां दीआं गल्लां सुनना लाजिम है फैसला करन वास्ते। नबी पाक सरकार ने दोवां घरां दीआं गल्लां सुनियां, गल्लां सुन के फकदा अलल मुनाफिक, नबी पाक ने मुस्लिम के हक विच ते मुनाफिक की मुखालफत विच फैसला फरमा दिता। गल्लां सुनने तो बाद हुण मुनाफिक आखन लगा, जी मैनू यह फैसला मंजूर नहीं, मैनू तुहाडी मुनसफी मंजूर नहीं। मुसलमान आख्या भी तू इन्हां दा कलमा भी पढ़ना है, बाजार ते वो भी मुसलमान ही सी, ओ मरे तू इन्हां दा कलमा पढ़ के तैनू इन्हां दा फैसला मंजूर नहीं। उस आखिया जी मैनू नहीं, उस आखिया झगड़ा तो फिर उत्थे दा उत्थे ही है, तू आपे ही आखिया सी भी जिहड़ा फैसला करन सानू मंजूर है, तो हुण तू ही दस किहड़े बंदे कोल जाणे, चलो उहदे कोल चलने झगड़ा तो मुकाना। उस आखिया मैनू अबू बकर दा फैसला कबूल होगा। मुसलमान आखे चलो जी मैनू अबू बकर भी मंजूर है। हजरत अबू बकर दे कोल आए, आपने फरमाया किधे आए हो? आखे जी फैसला करवाण आया। तो मुस्लिम अगू आखिया भी फैसला नबी पाक फरमा चुके ने। आपने हुण यह नहीं पूछा भी किधे हक है ते किधी मुखालफत च नहीं। आपने फरमाया मा कुन तो ले अकदम बैना मैं यरगबु अन कदाए रसूलिल्लाह, जेड़ा फैसला नबी पाक फरमा छड़िया मैनू हक ही नहीं कि मैं उस फैसले नूं भोला, मैं नहीं इस फैसले नूं भोल सकदा, मैं तुहाडियां गल्लां सुननियां नहीं। जाओ जेड़ा फैसला नबी पाक कीता है उहदे उत्ते कायम रहो। उस आखिया जी मैनू उत्थों निकले दोवें, फन तलाका निकले। हुण मुस्लिम आख्या भी हाँ भी मियाँ हुण तेरा की सलाह है? उस आखिया भी इंज कर उमर कोल चलने। हज़रत फारूक आज़म दे कोल आ गए, फन तलाका इला उमर आ गए, फकसा अलैहि सारा किस्सा बयान किया। फकाल उमर, आपने दोवे दियां गल्लां सुन के ये भी दस चुके भी नबी पाक ने इंज करके फैसला फरमाया। आपने फरमाया ला ताजिला हत्ता अख राजा इलई कुमा, जिन्ना चिर मैं थोड़े को आ ना जावा जल्दी ना करा जाए वापस ना जाया जे, थोड़ी देर रुको मैं आया। आप अंदर तशरीफ लेके गए, फदाखला फश्तमला अला सैफ वखराजा, अंदर गए तो आपने तलवार थामी म्यान विचों निकाली, बाहर आके खड़े हो गए। फकातल मुनाफिक, मुनाफिक दा आपने सर कलम फरमा दिता। इधर हुण पूरे इलाके विच वादियां विच पिंडां विच शहर विच रौला पै गया। लो जी उमर ने एक कलमा गो नूं मार छड़े, कलमा गो नूं कतल कर छड़े, काम बड़ा खराब है। ये उमर नूं हुण किसास देना पौना है, उमर नूं देत देनी पौनी है। ये हुण जिन्ना चिर बदला देवेगा नहीं, या तो ये आप कतल होवे तो या फिर किसास देवे, बदला देवे, पैसे देवे, मालो दौलत देवे, घर वालिया नाल उन्हां दी सलाह दे विच सलाह रलावे, तो ये कुछ ना कुछ देवेगा तां जान छुटेगी। हाय हाय। अच्छा आपने जेड़े जुमले बोले ने ना तलवार मारन लग्या, उन्हां जुमलियां तों जान कुर्बान है। एक बार उची आखो सुभान है। हजरत जनाबे फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जेड़े जुमले बोले सन सुनो, फकतल मुनाफिका, आपने मुनाफिक आके कतल किया, इधर तलवार लहरा देने ते नाले बोल देने सुम्मा काल हाकज़ा अखदा बैना मल्लमी अर्दा भी कदा ए रसूल फरमा देने
जिनू अल्लाह दे रसूल दा फैसला कबूल नहीं ओदा फैसला उमर अपनी तलवार दे नाल करना। इधर जनाब मैं दस चुकिया वादिया दे अंदर पिंडा दे अंदर शहरे मदीना दे अंदर रौले पै गए कि उमर बिन खताब ने एक मुसलमान नु मार छड़िया। उमर बिन खताब ने एक मुसलमान नु कतल कर छड़िया, एक मुसलमान नु एक कलमा गो नु कतल कर छड़िया। जदों आप दे बारे लोगों ने गल्लां करनिया शुरू कीतिया जिब्रील नाज़िल हो गए फाता जिब्रील अलैहि सलाम जिब्रील अमीन हाजिर हो गए आके अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह इन्ना उमरा कद कतल रजुल उमर ने मुसलमान नहीं मारिया उन्हें एक मुनाफिक ने मारिया। फर्रक अल्लाह बैन अल हक वल बातिल अला लिसान उमर अल्लाह ने उमर दी जुबान दे उते हक जारी फरमा छड़िया। अल्लाह ने उमर दे हाथ दे अंदर हक रख छड़िया। उमर दी तलवार जिदे खिलाफ उठी है सोणिया तेरा गुलाम नहीं ओ वेखणो तेरा गुलाम है ओ वेखणो तेरा आशिक लग जाए लेकिन हकीकत विच सोणिया मुनाफिक है। फसुमी अल फारूक सोणिया अज रब ने आसमान दे उते तेरे गुलाम उमर दा नाम फारूक रख छड़िया है। तेरे गुलाम फारूक तेरे गुलाम उमर दा नाम फारूक रख छड़िया। इधर नाल अल्लाह ताला दे कलिमात कुराने मजीद दे अंदर जेड़े शामिल कीते गए जिब्रील ने वो पढ़ के सुनाए मैं भी पढ़ के सुनान लगा। जिब्रील ने आके अर्ज कीती सोणिया अल्लाह ताला ने कुराने मजीद दा हिस्सा बनावण वास्ते अल्फाज नाजिल कीते फला रब्बी का ला युमेनु ला युमेनु ला युमेनु करे कोई आखे मैनू मंजूर नहीं। फैसला नबियां दा सरदार करे कोई बेखैरत उठ के आखे मैनू मंजूर नहीं। ला यू मैनू फला व रबिक सुना थोड़ा जा लुतफ लव फला व रबिक फला व रबिक सोनिया उंज ते मैं सारे नबियां दा रब उच्ची सुबान अल्लाह होर उच्ची सुबान अल्लाह। मैं मुंह पिछे करके बोलन लगा सारे गज के बोलो सुबहान अल्लाह। फला व रबिक फला व रबिक सोनिया उंज ते मैं 18,000 मखलूकात दा रब्बा मैं जमादात दा रब्बा मैं नबातात दा रब्बा मैं शजरो हिजर दा रब्बा सोनिया मैं इंसाना ते जिन्ना दा रब्बा मैं मलाइका दा रब्बा सोनिया मैं
फरिश्तियां दा रब रिजवाने जन्नत दा रब मैं गिलमाने जन्नत दा रब मैं एक लख कई हजार नबियां दा रब मैनू फखर नहीं फला व रब्बिक सोनिया मैनू इस गल ते नाज़ है मैं आमीना दे लाल दा रब सोनिया मैनू तेरा रब होण दी कसम मैनू तेरा रब होण दी कसम लायु मैनू मोमिन नहीं हो सकदा हजरत जनाबे फारूक आजम रदी अल्लाह ताला नो नबी पाक नु दसण वास्ते हाजरी खिदमत होए आके अर्ज करदे ने सोणिया मैं एक बंदे नु कतल करके आया एक मुनाफिक नु कतल करके आया लोकी मैनू आंदे ने तू मुसलमान नु कतल कीता तू मुनाफिक नु नहीं तू मुसलमान नु कतल कीता तू कलमा गो नु कतल कीता मेरे आका ने फरमाया फारूक जेड़ा काम तू कीता है फारूक तू अपने घर विच कीता है अल्लाह ने कुरान मेरे ते नाजिल कर छड़िया है अल्लाह ने सारा किस्सा मेरे ते बयान कर छड़िया फारूक परेशान नहीं होना रब ने तेरिया गवाइया कुरान विच दितिया ने रब ने तेरिया इज्जतां दे छंडे कुरान विच बयान कर छड़े रब ने तेरी अजमत दे तराने अपनी किताब विच बयान कर छड़े ने फारूक डोली ना रब तेरे नाले रब दा ए फैसला है ला यू मैनू ईमान वाला है ही नहीं सी फारूक अल्लाह ने तेरी इस गल नु पसंद कीता तेरी आरा मुकद्दस पर बहीता ईद लाती थी आरा राय मशवरा तेरी आरा मुकद्दस पर वही ताई दिलाती थी तेरी अजमत निराली पर नबूवत मुस्कुराती थी जेड़े मिलके पढ़ सकते जरा मिलके पढ़ो तकरीर खत्म करिए तेरी आरा मुकद्दस पर वही ताई दिलाती थी तेरी आरा मुकद्दस पर वही ताई तेरी अजमत निराली पर नबूवत मुस्कुराती थी तेरी अजमत निराली पर नबूवत मुस्कुराती थी से खिताब तुझे फारूक के आज़म का अरश से खिताब आया यहूदी कांप उठते हैं दुश्मन कांप उठते हैं जब इसमें चनाया यहूदी का पे उठते हैं ईसाई का पे उठते हैं जब इसमें चनाबाया तू
مجھے بار کے آزم کا عرش سے خطاب آیا تجھے بار کے آزم کا رب سے خطاب آیا یہودی کانپ اٹھتے عیسائی کانپ اٹھتے ہیں جب اس میں جنا جڑا کم عمر زمین تے کردا ہے اللہ او فیصلہ عرش بری تے کردا ہے جڑی گل فاروق فرش تے کردا ہے او فیصلہ میرا رب عرش تے کردا ہے جو کچھ بیان ہو چکیا اللہ قبول فرما لے اللہ تواڈی